हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उरैबर खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक नए एप्लीकेशन के बारे में जो है डार्क रूम। अभी तक आपने लाइट रूम का नाम सुना होगा लेकिन यह एप्लीकेशन है डार्क रूम। तो डार्क रूम में इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ डार्क एडिट होती होगी। तो मैं उसका आज पूरा एप्लीकेशन का इंटरफेस और यूज़ थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ इसका इंटरफेस वो अब आप ध्यान से देखिएगा। तो यह आपको इसकी डिस्क्रिप्शन डाउनलोड की नीचे मिल जाएगी प्रो वर्ज़न की, जो मेरी गूगल ड्राइव की लिंक है। तो प्रो वर्ज़न आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जाते हैं सिंपली अपने एप्लीकेशन में, यहाँ से जाएंगे हम डार्क रूम एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ ये देखिए ये वाला है इसका लोगो और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ ये जो है बनाता है। तो चलिए यहाँ से आप कैमरे से भी जो है फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट बना सकते हैं या यहाँ से इंपोर्ट कर। तो देखिए ये फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, वो वाली जो फ़ोटो थी मैंने यहाँ ले ली है। तो देखिए यहाँ शुरू से ही जो है डार्क थीम जो है ब्लैक एंड वाइट ये हो गया है। तो आप इसमें अपने हिसाब से बहुत से इफ़ेक्ट हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको जो पसंद है आप वो यहाँ से रख सकते हैं, इसमें डार्क कर सकते हैं इसे। और यहाँ से देखिए कलर बैलेंस से भी आप इससे जो है आपका जिस हिसाब से भी कलर होगा उस हिसाब से आपका ब्लैक एंड वाइट मैनेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे में, सिर्फ डार्क ज़्यादा था। तो देखिए फिर सेकंड है यहाँ गामा, यहाँ से भी आप इससे चेंज करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ज़्यादा डार्क ज़्यादा कम डार्क, तो इतना ठीक है। फिर है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस तो आपको मालूम ही है, डार्क करने के लिए थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है ज़्यादा, तो मैं इतनी रख देता हूँ। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, ये सबसे मेन रहता है अपनी डिटेलिंग, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आप एडिट करते हैं उसकी डिटेल के लिए कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ तो मेरी जो ब्लैक की डिटेल है वो कितनी अच्छी हो जाएगी, ये देखिए। तो कॉन्ट्रास्ट से ब्लैक और की डिटेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है बढ़ाने से। तो ये कोई से भी ऐप से आप करके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ इसको 1.2 कर देता हूँ या फिर ज़्यादा करके देखते हैं इसके, इतना ठीक है। फिर इसके आता है इसके बाद आता है RGB। तो ये तीन कलर मिलके ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनती है। तो RGB मतलब रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू से ही कलर बनते हैं और ब्लैक एंड वाइट इससे ही मैनेज होता है। तो आप यहां से अगर आपकी फ़ोटो में इन तीनों कलर में से कुछ है तो आप इसको जब इधर उधर करके देखेंगे, कम ज़्यादा करके देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो आप अपने कलर के हिसाब से इसको मैनेज करके देख लीजिए। मैं इसे अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसे ज़ीरो रखने वाला हूँ। और फिर यहाँ है ब्लैक एंड वाइट कन्वर्शन मेथड, तो मतलब ये इन्वर्ट टाइप का है कुछ, जैसे आप एम्बियंस यूज़ करते हैं स्नैपसीड में, तो उसी टाइप का ये जो है थोड़ा सा वर्क करता है। और यहाँ से थोड़ा सा इन्वर्ट भी ये हो जाता है, देखिए जैसे मैं फुल करके दिखा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा वेट लग रहा है इसमें, ये देखिए ये इस टाइप से वर्क करता है। अगर आप इसे ज़ीरो करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट में, ये है विग्नेट जो है आप वहाँ से देते हैं जो स्नैपसीड से, वो लास्ट में यहाँ दिया है विग्नेट, तो इसको आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा लेट प्रोसेस होती है इसमें,
और यहाँ से आप जाएंगे तो देखिए अलग अलग यहाँ से पूरे ख़त्म हो गए हैं ये पूरे टूल, और इतना ही था इसमें। और आप यहाँ से इंपोर्ट कर यहाँ से जाएंगे प्लस के आइकॉन में, तो यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हो गई सेव, और यहाँ देखिए प्रोसेस बता रहा है सेव की, और ये बहुत ही हैवी फाइल में ये सेव होती है। तो देखिए ये जो है सेव हो गई है, इसका साइज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं जाता हूँ सिंपली अपने क्विक पिक में, यहाँ से हम जाएंगे डार्क रूम में, और ये देखिए इसका साइज़ वही का वही है साइज़। और यहाँ से आपने जो भी चेंजेस किए हैं ये सब चीज़ इसमें दिखा रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं डार्क रूम से। और इसका देखिए पिक्सल वही के वही हैं, और ओरिजिनल बता रहा है आपको कौन से कैमरे से क्लिक हुई है और किस डेट को क्लिक हुई है, मतलब ये ओरिजिनल फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हैं डार्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हमारे कुछ और भी एप्लीकेशन हैं जो प्रो वर्ज़न मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।